हाँ भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता डिफेंस। जल्दी जल्दी सबके सब लाइव आ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है भाई। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू ज्वाइन दी क्लास। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। चलिए भाई, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। विल बी स्टार्टिंग विद दी मॉक टेस्ट। कौन कौन लाइव आ चुका है भाई? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष, आशीष जी, चंद्रिका, आशीष, अशेंद्र जी, यश, सलमान, विश्वजीत, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन। जल्दी जल्दी स्टार्ट ज्वाइनिंग भाई। फर्स्ट, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई। एवरीवन प्लीज़ कमेंट इफ माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, दैट इज बुली। अ स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। बुली अ स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपको ये बताना है जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बताइए कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है आपका ये बुली। चलो भाई, जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग। सही आंसर बताइए भाई एवरीवन, क्या सही आंसर होगा इसका? Everyone, I want every one of you to respond. चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। फर्स्ट का एवरीवन प्लीज कमेंट करिए भाई। चलिए भाई, डी एब्सोल्युटली राइट। विश्वजीत, सलमान जी, वेदांत, एब्सोल्युटली डी जो है दैट इज द राइट आंसर भाई। आपको ध्यान में रखना है, ये एफकैट के एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। द टर्म बुली इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ हॉकी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, दैट इज लव इज अ स्कोर इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड विच इज रेफर्ड एज दी लव। आपको बताना है भाई, जो लव होता है, ठीक है, वो आपको बताना है कौन सी फिगर से डिनोट किया जाता है। चलो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए भाई, सबके सब बताइए आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, जीरो से जो है डिनोट किया जाता है लव को। बिल्कुल आसान है ये, आपको पता होगा भाई। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, लव अ टर्म यूज्ड इन टेनिस इंस्टेड ऑफ वर्ड निल और जीरो। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है भाई। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर है, दैट इज द टर्म टेक्निकल फाउल। आपको बताना है द टर्म टेक्निकल फाउल एंड फ्लैग्रेंट फाउल आर कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। थर्ड क्वेश्चन का बताइए भाई एवरीवन। जल्दी जल्दी बताइए भाई, टेक्निकल फाउल एंड फ्लैग्रेंट फाउल कौन से स्पोर्ट में होता है? वॉलीबॉल में होता है, क्रिकेट में होता है, बास्केटबॉल में होता है, या फिर फुटबॉल में होता है? चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। ये देखो, सी इज द राइट आंसर। थर्ड का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अदर बास्केटबॉल टर्मिनोलॉजी जो है, फ्री थ्रो, कॉमन फाउल,
ठीक है, दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी हॉप इज रिलेटेड टू विच गेम? आपको बताना है बनी हॉप जो है इट इज रिलेटेड टू विच गेम, स्प्रिंट, चेस, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका. बनी हॉप, बिल्कुल बिल्कुल बता सकता हूं आपको. टर्मिनोलॉजी तो देखो इंग्लिश में ही रहेगी, आपको हिंदी में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. आपको बताना है बनी हॉप जो है कौन सी गेम से रिलेटेड है. स्प्रिंट मतलब भागना जिसको बोलते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर. चेस, साइकिलिंग आप करते हो, या फिर जिम्नास्टिक. किस गेम से जो है आपका ये टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है. फोर्थ क्वेश्चन, चलो भाई जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करिए भाई एवरीवन. चलो भाई जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा एवरीवन. बनी हॉप, बनी हॉप और बनी हॉप जो होता है आपको ध्यान में रखना, इट इज रिलेटेड टू द बाइसिकल. सी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट. यश मंडोलिया जी बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सी जो है दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉक्स इज एसोसिएटेड विद? आपको बताना है जो कॉक्स है वो किस चीज के साथ एसोसिएटेड है. चलो भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. कॉक्स जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, बोट, बोट रेसिंग, स्प्रिंट, बास्केटबॉल या फिर बैडमिंटन. जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई एवरीवन. कॉक्स किसके साथ एसोसिएटेड है? बिल्कुल सलमान जी आपके कमेंट आ रहे हैं. यू हैव टू टेल कॉक्स जो है किसके साथ एसोसिएटेड है. देखो भाई कॉक्स जो है दैट इज एसोसिएटेड विद बोट रेसिंग. आपको इस चीज का ध्यान रखना है भाई, बोट रेसिंग के साथ जो है आपका कॉक्स जो है दैट इज एसोसिएटेड. ठीक है, जितने भी ये स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. पेनल्टी शूट आउट, बहुत बार आपने सुना होगा पेनल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये किसके साथ एसोसिएटेड है. वॉलीबॉल, बिलियर्ड्स, शूटिंग या फिर फुटबॉल. चलो भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन. एब्सोल्यूटली फाइन अंजलि जी, आई होप यू आर ऑल्सो गुड. बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूटली राइट. हाँ आई थिंक देर इज अ कैमरा इशू, इसी वजह से स्क्रीन आपको सिर्फ स्लाइड ही दिख रही है. बिल्कुल सही है सलमान जी, बिल्कुल सही. पूजा जी, डी जो है राइट आंसर है, फुटबॉल के साथ ये जो टर्मिनोलॉजी है पेनल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, ठीक है, ब्लाइंड साइड, ये पूरी की पूरी जो है फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है. अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही आसान, बहुत लोगों को पता होगा भाई गुगली जो है किसके साथ एसोसिएटेड है. हॉकी के साथ है, कबड्डी के साथ है, क्रिकेट के साथ है या फिर बॉक्सिंग के साथ है. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन किसके साथ एसोसिएटेड है. जल्दी जल्दी एवरीवन कमेंट करके बताइए गुगली जो है आपका किसके साथ एसोसिएटेड है.
एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई, सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, सी जो है दैट इज द राइट आंसर। गुगली जो है आपका क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शफल सूट ट्रंप डिक्लेयर आर सम ऑफ द वाइडली यूज्ड टर्मिनोलॉजी इन विच गेम। शफल करना, सूट, ट्रंप, डिक्लेयर, किसके साथ एसोसिएटेड है ये? ब्रिज, स्विमिंग, स्क्वॉश या फिर साइकिलिंग। बिल्कुल चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल किसके साथ एसोसिएटेड है भाई सफल? शूट, ट्रंप, डिक्लेयर। देखो ये ब्रिज के साथ ये जो है आपको डिक्लेयर है, आपको ध्यान में रखना है। जो ब्रिज की दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है डमी, लिटिल स्लैम, ग्रैंड स्लैम, ट्रंप, डायमंड, ट्रिक्स। ये पूरी की पूरी जो है आपकी ब्रिज के साथ एसोसिएटेड है। एब्सोल्युटली बिल्कुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द फुटबॉल? आपको बताना है भाई बाकी जो टर्म्स है आपकी वो फुटबॉल के साथ इनमें से कौन सी एसोसिएटेड है। कॉमर बिक, बेस लाइन, रीबाउंड, ऑल ऑफ द अबव। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन, क्या सही आंसर होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद दिस फुटबॉल? जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई एवरीवन। देखो भाई इसको, इसका जो आंसर है दैट इज डी। जितनी भी ये टर्म्स है ये पूरी की पूरी जो है आपकी फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीपल चेज। आपको बताना है जो स्टीपल चेज है वो कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? जिम्नास्टिक, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग या फिर क्रॉकवेट। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए किसके साथ आपका एसोसिएटेड है स्टिपल चेज। देखो भाई ध्यान रखना है आपको, स्टेपल चेज जो है आपका हॉर्स राइडिंग के साथ एसोसिएटेड है भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हॉर्स राइडिंग, अगर कोई करता है तो उसको बिल्कुल पता भी होगा हॉर्स राइडिंग के साथ। एब्सोल्युटली राइट वेदांत सलमान, एब्सोल्युटली राइट। सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच स्पोर्ट दीज पुल्स, फर्स्ट पुल, सेकेंड पुल, थर्ड पुल, ये जो है आपका कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? वेट लिफ्टिंग में, हॉर्स राइडिंग में, खो-खो में या फिर साइकिलिंग में, कहां पर जो है आपका एसोसिएटेड है ये? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। भाई भाई आपको ध्यान रखना है वेट लिफ्टिंग के साथ ये जो है आपका फर्स्ट पुल, सेकंड पुल और जो थर्ड पुल है ये एसोसिएटेड है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई? आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, मार्क्समैनशिप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट इवेंट? मार्क्समैनशिप जो है कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? स्कीइंग के साथ, शूटिंग के साथ, बॉक्सिंग के साथ या फिर रग्बी या फुटबॉल के साथ? मार्क्समैनशिप स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर एग्जामिनेशन। स्टैटिक जीके का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन।
भाई देखो, मार्क्समैनशिप जो है आपको ध्यान में रखना है, इट इज एसोसिएटेड विद शूटिंग, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही है सलमान, यश, चंद्रिका, एब्सोल्यूटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद गेम टेबल टेनिस. अब टेबल टेनिस जो जो खेलते हैं उनको बिल्कुल पता होगा इनके साथ कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है एसोसिएटेड है. पेन होल्ड ग्रिप, लेट सर्विस, मजल, बोथ ए एंड बी. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन. बिल्कुल, बोथ ए एंड बी आपको ध्यान में रखना है, लेट सर्विस और पेन होल्ड ग्रिप जो है आपका टेबल टेनिस के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टोबो गेनिंग जो है दैट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आर्चरी, शूटिंग, स्विमिंग या फिर स्कीइंग? किसके साथ एसोसिएटेड है आपका टोबो गेनिंग? जल्दी जल्दी बताइए भाई एवरीवन, टोबो गेनिंग जो है किसके साथ एसोसिएटेड है? आर्चरी, शूटिंग, स्विमिंग या फिर स्कीइंग? बिल्कुल, डी जो है आपका स्कीइंग इज द राइट आंसर. ठीक है भाई, बिल्कुल सलमान, बिल्कुल डी जो है आपका दैट इज दी राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट. चंद्रिका जी बिल्कुल सही है आपका, एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ नेल्सन इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? ये आपको बताना है. फुटबॉल, रेसलिंग, गोल्फ या फिर वॉलीबॉल? किसमें आपका हाफ नेल्सन जो है वो यूज होता है भाई? चलिए जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर. हाफ नेल्सन, देखो भाई आपको ध्यान रखना है, रेसलिंग के अंदर जो है आपका हाफ नेल्सन जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होती है. इट इज दिस इज इलीगल इन रेसलिंग बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड टू द नेक एंड प्रिवेंट प्रेजेंट्स अ वेरी हार्मफुल डेंजर टू द रेस्लर. हाफ नेल्सन इज वेयर योर आर्म इज स्टिल अंडर द आर्म पिट. ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. विच गेम बंकर इज एसोसिएटेड विद? बंकर जो है किसके साथ एसोसिएटेड है? चेस के साथ, पोलो के साथ, लॉन टेनिस के साथ या फिर गोल्फ के साथ? चलो भाई जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका. चलो भाई जल्दी जल्दी एवरीवन, फोर मोर क्वेश्चंस. स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, आपको ध्यान रखना है. गोल्फ जो है दैट इज एसोसिएटेड विद बंकर. ठीक है भाई, एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूस. ड्यूस तो आपको पता ही होगा भाई किसके साथ होता है, स्कीइंग में होता है, साइकिलिंग में होता है, टेनिस में होता है या फिर आर्चरी में होता है. ड्यूस का मतलब होता है इक्वल, इक्वल स्कोर, बहुत बार आपने सुना होगा. तो ड्यूस किस में होता है भाई? इट इज इन, जल्दी जल्दी बताइए भाई एवरीवन. ड्यूज जो है दैट इज इन आर्चरी.
ड्यूज जो आपका आर्चरी नहीं सॉरी टेनिस के अंदर होता है। ऑप्शन जो डी यहां पे लिखा हुआ दैट इज रॉन्ग। लॉन टेनिस जो होता है आपका उसके अंदर ड्यूज होता है। ठीक है, यू हैव टू, जो यहां पे आंसर डी जो लिखा है दैट इज रॉन्ग, सी वुड बी द राइट आंसर। लॉन टेनिस के अंदर आपका ड्यूज होता है जब वो कोर्स जब इक्वल हो जाता है, दैट इज नोन एज ड्यूज। नेक्स्ट, कूच बेहर ट्रॉफी जो है कौन से टर्मिनोलॉजी कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? कूच बेहर, चलिए भी जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। कूच बेहर जो है किसके साथ एसोसिएटेड है? कूच बेहर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज विद द क्रिकेट अंडर 19 का जो टूर्नामेंट होता है उसके अंदर होता है कूच बेहर ट्रॉफी। ठीक है, नेशनल लेवल टूर्नामेंट, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सी के नायडू कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्पोर्ट? सी के नायडू कप भी आपको पता होगा भाई किसके साथ होता है, क्रिकेट के साथ है, गोल्फ के साथ है, फुटबॉल के साथ है या फिर बॉक्सिंग के साथ है? जल्दी जल्दी बताइए भाई एवरीवन। कूच बेहर सॉरी सी के नायडू, सी के नायडू कप जो है आपका किसके साथ होता है भाई? एब्सोल्यूटली राइट भाई, क्रिकेट। क्रिकेट जो है दैट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है भाई, क्रिकेट इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन। डेविस कप, ये भी सबको पता होना चाहिए भाई, डेविस कप जो है कब होता है? टेनिस में है, रग्बी में है, फुटबॉल में है या फिर क्रिकेट में है? टेनिस जो होता है आपका कब होता है भाई? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन, सबको पता होगा इसके बारे में। जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग। बिल्कुल चंचल चौधरी जी एब्सोल्युटली राइट, किरण जी एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बिल्कुल ए जो है आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द राइट आंसर। मेंस का जो टेनिस होता है उसको बोलते हैं हम डेविस कप, उसमें होता है। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट्स इफ यू हैव? जो आपका डेविस कप है दैट इज अ प्रीमियर इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट। तो दीज वर योर इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। ठीक है भाई, ये आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद द डिफेंस एस्पिरेंट्स जो कि डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड नाउ सलमान, यू कैन डेफिनेटली गो एंड नमाज आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो जस्ट शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज विद योर यू नो मेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की। और थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कनेक्टिंग विद अस।